बंद कर दे भाई, बस देखा नहीं जाएगा इन लोगों को, सांस में आ जाएगा, खतरनाक हो रहा है ये। अभी भी देख रहे हो बैठ के, अभी भी देख रहे हो, मना कर रहा हूँ नहीं देखो, पानी आ रहा है तुम्हारे मुंह से, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, as you know or not, this is सरदार शेख and I am back with another new vlog। तो भाई आज का vlog मैं बिल्कुल छत के साथ बैठ के कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुबई की रियलिटी, मतलब कैसे बैचलर्स रहते हैं यहाँ पे जो आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पाकिस्तान में लोग आते हैं, पाकिस्तानी कहीं पे भी, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अपने जब वो कंट्री के अंदर आते हैं ना, तो वो मतलब उनके अलग ही नेक्स्ट लेवल बने हुए होते हैं। कि जैसे बहुत बड़े आलीशान महल में रहते थे वो दुबई के अंदर, अब वो यहाँ पे आए तो उनके हल्के ही नहीं आते, मतलब भरम ही हल्के नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो मैं आपको आज रियलिटी दिखाने वाला हूँ दुबई के अंदर के भाई यहाँ पे लोग जो आउट ऑफ कंट्री के आए हुए होते हैं वो रहते कैसे हैं असल में। खत्म। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, और मुझे भी पता है कि आप लोगों को देखना है, आपको बड़ा इंटरेस्ट है कि कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, तो देख के यार ऐसे मत करना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आया था ना, मेरा यही रिएक्शन था, यकीन करो कसम से, मैं कमरे के अंदर एंटर नहीं हो रहा था। वो उधर गेट है मैं तभी देख रहा था उधर, तो मैं कमरे के अंदर एंटर नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार ये किस जगह पर मैं आ गया हूँ, मतलब मुझे कोई और कमरा दो, ये अच्छा सा बड़ा सा। तो उन्होंने कहा भाई अगर कोई अच्छा बड़ा सा वीआईपी सा पप्पू सा आपको कमरा चाहिए ना, तो उसके लिए आपको तकरीबन ज़्यादा नहीं पाकिस्तानी 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, मतलब सिर्फ एक रूम के, जो स्टूडियो अपार्टमेंट खिलाता है उसके। 3 लाख भी कम बता रहा हूँ, इससे एक्सीड भी कर सकता है, ये मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सीन है यहाँ पर, इस वजह से जो मतलब बाहर के लोग आए हुए होते हैं बेचारे, हमारे जैसे गरीब गुरबा लोग आए हुए होते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को जैसे बताया कि मैं आज बताने वाला हूँ कि किधर मैं रहता हूँ और क्या क्या मैं करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना बहुत ही गंदा, नहायत ही गंदा सा रूम, जिसके लिए मतलब पता नहीं तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मुझे तो इंतहाई जहर लगता है। लेकिन क्या करें, अब आदत हो गई है, रह रह के यूज टू हो गया, तो अब नहीं लगता। अब सिर्फ अपना एक बेड है, उसी के ऊपर अपनी आयाशी होती है। सैटरडे संडे आते दिन खूब मज़े से एंजॉय करके अपन यहीं पर ही बैठे रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं है ना बाहर। देखो तो मैं अपना रूम दिखाने वाला हूँ, तुम्हें घबराना नहीं, आराम से बैठो, देखो मज़े से चिल करो। ये देखो भाई, ये प्रेजेंटिंग यू दिस सड़ावा रूम, हमारा ये रूम है, ये मेरा सामान है इधर पड़ा हुआ सारा, इधर ये माउस है, इधर ये लैपटॉप है, ये वैसे लैपटॉप उस साइड जाता हूँ मैं पीछे, ये इधर मेरे कपड़े कुछ पड़े हैं बाहर, क्योंकि बैग मेरा बड़ा है, उसमें थोड़ा मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं, इस वजह से उसको कपड़े नहीं डालता उसमें। ये इधर कंबल है, अब तुम सोच रहे हो कि इतनी गर्मी के अंदर मैं इतना बड़ा कंबल क्यों पहना हुआ हूँ, ये और एक ये, 2 मुझे कंबल ओढ़ने पड़ते हैं, पता है क्यों, सिर्फ उसकी वजह से। ये जो इतना सा ये तुम ये सुराख देख रहे हो ना, इसके अंदर से ये ऐसी ख़तरनाक हवा आती है किस्म की, मतलब क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल की ठंड हो रही होती है यहाँ पर। तो इस वजह से मुझे ये 2 कंबल पहनने पड़ते हैं, एक ये और एक ये, झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा करके सीधी हवा आती है मेरे ऊपर, और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ बिल्कुल छत के साथ, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो अब देख लो ये रियलिटी है। और ये देखो नीचे का भी थोड़ा दिखा देता हूँ, तो मैं ये ऐसे कपड़े लटके हुए इधर, ये हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस डाला हुआ है, एक इधर नीचे आता है बंदा, एक उसके नीचे आता है, ऐसे 3 बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, और वो सामने कुछ कपड़े लटके हुए हैं, ये बैग रखा हुआ है, वो मेरा बैग रखा हुआ है नीचे। तो ये सीन है भाई यहाँ का, ऐसा रूम है यहाँ पर। मतलब ये अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ ना, तो ये मेरे घर में ये स्टोर था इतना बड़ा, तो अभी मैं स्टोर के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन इस स्टोर के भी मैं पाकिस्तानी माशाल्लाह से 45,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इस बेड पर, ये इस बेड पर लेटने के लिए 45,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, 45,000 रुपये पाकिस्तानी। तो इस वजह से यहाँ पे भाई सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, देखभाल के चलना पड़ता है। यहाँ पे कमाने के लिए आया है, अयाशी के लिए ही आए पे, जो अयाशी करने आते हैं वो फिर डाउनटाउन में रहते हैं, बुर्ज खलीफा के नीचे रहते हैं, तो वहाँ पे भी एक दिन जाएंगे हम इंशाल्लाह, बुर्ज खलीफा में भी लेंगे, इंसान ही लेता है ना, तो हम भी लेंगे ना, तुम भी लोगे, उसले की बात नहीं है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं खाना वाना कैसे बनाता हूँ, रूम कैसा है, बाथरूम कैसा, रूम तो तुमने देख लिया, अभी बाथरूम भी तुम्हें दिखाता हूँ, और फिर एक्सपेंस भी बताता हूँ कि कितना और क्या क्या खर्चा हो जाता है हमारा मंथली का। जैसे यार इस रूम का जिसने भी कलर किया था ना, मैं उसको यकीन करो सलाम ठोकता हूँ। मतलब पिंक कलर कौन करता है यार, अजीब। या तो हो सकता है इसमें बारबीज रहती होंगी पहले तो अब बारबा आ गया इसके अंदर सारे यार। तो पिंक कलर है। अभी है ना मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा है इसको चेंजिंग करने का। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके अंदर मैं क्या चेंजिंग करने वाला हूँ। अपने रूम के अंदर थोड़ी सी शशके करने वाले हैं क्योंकि बहुत हो गया अब गंदे से रूम में रह लिए। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं क्योंकि अब यही है तो इसी को बेहतर बनाना चाहिए। जो चीज़ आपके पास होती है आप उसी के अंदर एंजॉय करो तो तब मज़ा आता है। अगर उसको एंजॉय नहीं करोगे तो फिर देरी ज़ाया होते रहेंगे भाई आपके, और कुछ भी नहीं होगा। तो एंजॉय करना पड़ेगा, इसी को अपन सेट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। शर्ट भी अपनी चेंज कर ली है क्योंकि मैं नाइट सूट पहना हुआ था, वो गंदी संदी सी थी। मतलब थी तो बड़ी अच्छी लेकिन आड़ी टेढ़ी हो रही थी। तो अच्छा सा थोड़ा सा पप्पू से अपन बन गया, अच्छे अच्छे से कपड़े पहन लिए। तो अभी मैं बस बेड सेट कर रहा था, मैंने नीचे से तो सेट कर लिया, अब मुझे ऊपर से करनी है तो उसको सेट कर लेते हैं। तब के बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6। सामने ऐसे देख रहा हूँ जैसे घड़ी लगी हुई थी। तो तुम्हारे साथ भी प्रैंक कर रहा हूँ मैं बैठ के। तो अभी मैं ऊपर से अपनी बेड सेट करता हूँ, फिर मुझे नमाज वमाज भी पढ़नी है यार, और खाना वाना भी कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। तो साथ चलते हैं। बैठे रहो, देखो, थोड़ा सा एंजॉय करो, चिल करो। दुबई में देखो कितनी अयाशी वाली हमारी ज़िंदगी है यहाँ पे। हमारी तुम्हारी भी होगी एक दिन, कभी ना कभी तो आओगे ना भाई, स्ट्रगल करने आओगे ना। तो ये स्ट्रगल पीरियड होता है। डोंट बी शाफ दिस, ओके। देखो नॉट एक इंग्लिश चेक करो कैसी उभर के आ रही है बाहर दुबई के तो बैठो, अभी देखो क्या सीन होने वाला है भाई। ये तुमने गंदा सा किचन किसी ना किसी मेरी वीडियो में देखा भाई होगा, लेकिन ये आज मुझे ना बहुत साफ़ सुथरा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों आज इतना साफ़ है। ये किचन है, वो सामने वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, अंदर से देख के करोगे। ये इसमें वॉशिंग मशीन है। ज़िंदगी में मैंने पहली बार इसमें कपड़े धोए थे भाई, अब तक 2 बार ही धोएंगे। यहाँ पे शूज़ रखने का ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, और एक ये वॉशरूम इधर है। तो भाई अभी मगरिब का टाइम हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे। लिफ्ट दबाते हैं तो नीचे जा रहा हूँ, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर कुछ खाना वाना खाते हैं। तो भाई अभी नमाज़ पढ़ के मैं निकल गया था, अब लग रही थी भूख, तो हमने सोचा खाना वाला खा लेते हैं। मैं आया हूँ और मेरे साथ सोनू आया खाना खाने के लिए। तो अभी हमने मंगवाया चरगा। चरगा जब तक आ जाए, लेकिन हमारा स्टार्टर आ गया। तो स्टार्टर के अंदर हमारे पास है ये सूप, यखनी है, ये असल में सूप, ये देखो बोटी मिल गई, इसके अंदर यखनी है। और ये हमारा सैलेड आई है, और ये ब्लैक पेपर और नमक भी आई है। तो भाई ये सूप ट्राई करते हैं पहले, तो बोटी ट्राई करेंगे हम सबसे पहले। इसके अंदर ये करते हैं हम सूप ट्राई। ओ बहुत अभी ठंडा पानी पिया था यार मैंने, दर्द हो गया। चलो जब तक मैं सूप इंजॉय करता हूँ, खाना आया फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। हमारा चरगा भी आ गया। मेरा चरगा मुझे जला हुआ लग रहा है, ये तो आधा से ज़्यादा, बल्कि ये ऊपर स्किन है यार, ये उतारेंगे सही है। बस इसमें फ्राइज़ भी है, फ्राइज़ खाते हैं। ये क्या चीज़ है? मज़ेदार, बेहतरीन। यानी ये बताओ ये क्या है यार? ये वो मासूब कहते हैं, क्या कहते हैं वो है ये सब, है ना? कोकोनट पेस्ट। हाँ कोकोनट पेस्ट, तो चिप्स में लगा के खा रहे हैं हम ये कोकोनट पेस्ट। वाह देखो, तुमने एक देखी गरीबी की ज़िंदगी रूम के अंदर, या अमीरी की ज़िंदगी बाहर है। ऐसी बात नहीं है, दुबई बहुत आयाश मुल्क है, तो हम नहीं आयाश अब अभी खाना खाने आए, मज़े करते हैं, खाना खाते हैं। तो मैं खाने दिखाता हूँ, अपना फूड ब्लॉग भी है ना, थोड़ा सा भी दिखाते हैं, तो मैं मज़े शश के दिखाते हैं, लगा के और खा के दिखाते हैं। खा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें कैसा है चल रहा। ये देखो आधे से ज़्यादा तो जला हुआ है। अच्छा मैंने खोल ही दिया नहीं, यहाँ से देख रहा हूँ, वहाँ से खुल गया। तो ये हाफ अभी चरगा मंगवाया, उसके साथ आया ये सूप, ये वाला सूप है, यखनी बोलते हैं इसको, यखनी टाइप, यखनी यखनी। इसके अंदर बोटी नहीं, वो एक मैं पी गया, खा गया। अब इसको डायरेक्ट देते हैं इसे। ओए होए 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 होए, मज़ेदार, चस आ गई, ये भी आ गई भाई। इसके अंदर ये है 2 किस्म की सॉसेस है, एक ये है और एक ये है। दोनों को इसको मिक्स करके थोड़ी सी खाते हैं। ये अभी फ्राइज़ खा रहा हूँ मैं। भाई पीछे खड़े हुए देख रहे हैं आज। अच्छा, ये इसके अंदर कोकोनट पेस्ट भी है। ये इसमें तेल बहुत सारा है यार। ये ऑयल देखो इसके अंदर एक कैसे तैर रहा है। मज़ेदार। आप आ गई तड़के की बारी, असल रेसिपी आप आ गई। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म की ये भी चटनी, एक ये और एक इधर है। ये चरगा तुम्हें खा के दिखाता हूँ। ऊपर से ये स्किन हटा के ऐसे करना, आपको इंजॉय। ये लगाया ऐसे पहले खाएंगे इसके साथ। एंड हो गया। अब खाएंगे कोकोनट के साथ, कोकोनट प्लस दिस। ये नहीं ज़्यादा हो जाए। अच्छा, ये वाली चटनी लगाते हैं। तेज़ है चटनी। ये भी चटनी पड़ी है, मिर्ची वाली चटनी है। ये तेज़ है, इसमें एक रोटी। अच्छा, ये भी साथ आ गई। खुबस क्या? खुबस तो खोलिए, देखते हैं भाई क्या चीज़ है ये, कहाँ से खोलेंगे। तो भाई यहाँ पे ना अरब ममालिक में ये मिलता है खुबस, रोटी टाइप होता है, इसको कहते हैं खुबस। ये लगाते हैं, ये खाते हैं। बल्कि इसको छोड़ते हैं, ये जो नीचे रखा हुआ ना इसको उठाते हैं, ये लास्ट में खाते हैं। नहीं, अभी खाएंगे। इसके अंदर ऐसा उठा के ऐसा लगाया, ये रखो। ये वाली थोड़ी सी चटनी लगाई और ये दो चटनी लगाई। चस आ गई, आउट क्लास हो गया भाई। बस अब मैं अकेला बैठ के खाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। इसके ऊपर से स्किन हटाता है, देख रहे हो? स्किन हटाएगा, एक नीचे से गीली रोटी उठाता है। मैं खा के दिखाता हूँ। ओए कहते हैं उसको, डाडो मज़ो आयो। अखीर हो गया, क्लासिक है। ऐसा हो रहा है नरम, सब कुछ टूट रहा है। मुझे जरूर कैसे निकल रहा है। ओए बंद कर दे भाई, बस देखा नहीं जाएगा। इन लोगों से सांस में आ जाएगा, खतरनाक हो रहा है ये। पानी तो आ रहा है हमारे मुंह से, आ रहा है। दिख रहा है। वो देखो, वो टपका मेरे मुंह में भी आ रहा है ना। यार ये देखो, वहाँ देखना भी कैसा निकलेगा। नहीं, अब नहीं निकला, गर्म बहुत हो रहा है। समझ रहे हो तुम? अभी भी देख रहे हो बैठ के। मना कर रहा हूँ, नहीं देखो, पानी आ रहा है तुम्हारे मुंह से। ये देखो, वाह क्या सीन है। वो देखो भाई, जहाज जा रहा। जहाज भी जा रहा और हम भी घर जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, दुबई की कुछ यादों के साथ और आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शबाक।